अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे। आज मैं पालक बना रही हूँ। मैंने पालक थी मेरे पास फ्रोजन, तो मैंने उसको बॉईल कर लिया। बॉईल करके जब उसका पानी को खो गया तो फिर मैंने उनका कतरका बनाया। फिर मैंने ऑयल लिया, ऑयल लेकर के उसमें प्याज डाला। ये मैंने आलू छील के रखे हुए हैं। ये प्याज का ऊपर वाला पार्ट जो ग्रीन वाला था वो है, और साथ में टमाटर का तड़का, हरी मिर्च भी है। आलू भी गल के पानी खुश्क हो गया, तो मेरी पालक रेडी हो गई थी। और मेरे साथ ही प्याज का जो ग्रीन पार्ट था वो डाला, हरी मिर्चे डाल दी थी साथ ही। मसाला पाक आजकल जो हमारे ऊपर बारिश फैला हुआ है उसको ख़त्म करने लगा पाकिस्तान से, जितनी दुनिया थी उसको खत्म कर दें। मेरी पालक तैयार हो गई थी। फिर मैंने चिकन को मैंने मसाला लगा के ना रख दिया था, दो घंटे मैरिनेट करके। मैंने दही लिया था, दही के अंदर मैंने सारे स्पाइसेस डाले थे। इसमें मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च आदि आदि स्पून डाल दी थी। मैंने दो घंटे मैरिनेट कर दी थी। फिर मैंने एक पतीली में पानी लिया, पानी लेके फिर मैंने उसके ऊपर स्टैंड रखा पहले, तो फिर प्लेट रखी ऊपर, तो वो सही नहीं लग रही थी। फिर मैंने फिर प्लेट निकाल दी थी। प्लेट निकाल के तो उस जाली के ऊपर चिकन को रख के तो फिर मैंने स्टीम कर लिया था। जब स्टीम हो गया 40 मिनट मैंने उसको स्टीम किया, फिर मैंने पैन में ऑयल लिया, साफ स्पून ऑयल लिया, उसके बाद फिर मैंने चिकन को रोस्ट कर लिया था। इसी तरीके से जब मेरी चिकन दोनों साइडों से रोस्ट हो गई तो मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने रोटी और ये मिर्च, हरी मिर्चें हैं जो मैंने उनको दही में बनाया है, तो ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो और फिर मैंने अब हमारे एम्बुलेंस की आवाज़ बहुत ऐसी आई, पता नहीं क्यों, शायद कोई मरीज़ था जिसको एम्बुलेंस लेने के लिए आई थी ना, हमारे थोड़ा सा घर के आ गई ना। तो बस जो भी था, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अब ये देखें हमारे यहाँ पर रात का टाइम हो रहा है, एक तरफ दिन है और एक तरफ रात हो रही है। बस आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक हम सबको सेहत दे और सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे मैं फिर ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। ये देखिए एम्बुलेंस जाने की तैयारी में है, तो पता नहीं बेचारे को क्या होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, सब दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।